आज प्रेमनगर मंडल पुलिया नंबर 9 वार्ड नंबर 25 में जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार के मुख्य अतिथि के रूप में महाजन संपर्क हुआ। वार्ड नंबर 25 के स्थानीय लोगों से जिला अध्यक्ष ने आग्रह किया कि कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा को विजयी बनाए। सौरभ मिश्रा, निर्मल कुशवाहा, ब्रजेंद्र राजपूत, योगेश भार्गव, प्रवीण शिवहरे, विशाल दीक्षित, हरिजीत परिहार, नमन शर्मा, के शाख्य, मनोज खजूरिया, सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज काफी समर्थक है बीजेपी, किसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये किस प्रकार का उत्साह हमारे सभी कार्यकर्ताओं में है, ये उत्साह है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनने वाली है उसके लिए उत्साह है। और जो 4 जून को 4 बजे और 400 पार का हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा और उसी के लिए उत्साह उसको सब कुछ। 3 तलाक का मैटर जो अभी कह रहे हैं लोग, तीन तलाक के बारे में क्या कहेंगे? मुस्लिम समुदाय के बारे में, मुस्लिम समुदाय की जो हमारा आदि आबादी है सीधे सीधे हमारे पक्ष में है और 3 तलाक का विषय बुजुर्ग जो आपको देखने को यहाँ मिल रहा है उस बुजुर्ग के बारे में क्या कहेंगे? ये वोटर है या विपक्ष अगर दूसरी उंगली उठाने की कोशिश करेगी, ये दिल का वोटर है, ये हमारा सीधे वोटर है और सीधे न सीधे ऐसा समर्थक है जो डेली अपना कमल के फूल के लिए काम करता है, इसी प्रकार उत्साहपूर्वक मिलता है, डेली कहीं ना कहीं संपर्क अपने भूतों पर आधार मूल पर हमारा कार्यकर्ता करता है। उसी में आज वार्ड में आज पार्टी का हमारा महाजनसंपर्क अभियान है, 60 वार्डों में कोई ना कोई हमारे पदाधिकारी गए हैं, उस रात में भी वार्डों में एक ही समय पर 60 बड़े जनसैलाब निकाले हैं और विपक्षियों की जिस प्रकार से देखा जाए तो हवा वैसे ही टाइट है क्योंकि वो चुनाव में पहले दिन से ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर तौर पर अपने विकास कार्यों के आधार पर जो विकास आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसके आधार पर भर भर के जनता हमें वोट देने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पर 4 जून को 400 पार के नारे के साथ, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे के साथ हम जो है एक बड़ी बहुमत से सत्ता में आने वाले हैं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से 9 नंबर जैसा क्षेत्र जहाँ पर अल्पसंख्यकों की आबादी ज़्यादा है और भी कई वर्गों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर भी हमें इतने बड़े बड़े जनसैलाब देखने को मिल रहे हैं, तो इसका सीधा सा श्रेय जाता है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास की नीति को। हमें हर जगह से जो है अपार समर्थन मिल जाएगी, मिल रहा है। कांग्रेस पिछले 17 सालों से जो नहीं दे पाई है भारत के रहने वाले लोगों को, वो मोदी जी ने 7-8 सालों में कर पाया उसके बारे में। पिछले 70 सालों से कांग्रेस का नारा था गरीबी हटा और उनकी दादी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ और आज उनके नाती जो है राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं गरीबी हटाओ। 70 साल में वो अपना नारा नहीं बदल पाए, देश की दशा और दिशा क्या बदलेंगे? इस प्रकार से आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने चौमुखी विकास काम करने का काम किया है और निश्चित तौर पर सबके सामने है। अंत्योदय का हमारा लक्ष्य है, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का सपना किस प्रकार से साकार हो पाए उसकी नीति पर निर्भर। हमारा जो आज आपको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रेमनगर मंडल में 9 नंबर में हम लोग जनसंपर्क करने निकले हैं। आपको लगता है कि सरकार की जो योजनाएं थी हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सरकार योजनाएं लाए हैं, निश्चित तौर से हर घर में जल पहुंचा है, बिजली पहुंची है हर घर में, पक्की सड़कें पहुंची हैं और हम लोगों को जो 80 करोड़ परिवारों में जो राशन पहुँचा है, कोई भी गरीब भूखा ना सोए ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है। खासी की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे जो सांसद अनुराग शर्मा जी ने जो विकास कार्य किए हैं, चाहे वो बेड़ा हो या हर घर जल योजना हो या हमारा डिफेंस कॉरिडोर हो या स्मार्ट सिटी हो, लगातार झांसी ललितपुर लोकसभा में विकास कार्य हो रहे हैं। बुंदेलखंड में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बराबर योजनाएं भेज रहे हैं और लाभ भेज रहे हैं जिससे हमारे बुंदेलखंड के लोग खुशहाल हैं और युवाओं को रोजगार लगातार मिल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे 400 पार निश्चित तौर से पूरे 400 पार होना तय है और ये 4 जून को हम सभी देखेंगे कि 400 पार अब की बार 400 पार तय होगा ही। 4 जून को रिजल्ट हम आपके सामने आ रहे हैं।